अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं बनाने जा रही हूँ पचीता पिज़्ज़ा पॉकेट्स। उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर हैं वो आप नोट डाउन कर लें। 4 टीस्पून ऑयल चाहिए होगा, 2 सॉसेजेस जिनको मैंने थिन पीसेस में कट कर लिया, 1 स्मॉल चॉप्ड ऑनियन, 1 स्मॉल चॉप्ड कैप्सिकम, 8 to 10 pieces ऑफ स्लाइस जलपीनो, थोड़ी सी कलवंची चाहिए होगी। ये एक अंडा है जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर दिया है, एंड दिस इज चीज़, 100 ग्राम्स ऑफ चेटर चीज़ एंड 100 ग्राम्स ऑफ मोज़ेला चीज़। इन दोनों को आपने मिक्स कर लेना है। उसके अलावा आपको मशरूम्स चाहिए होंगे, स्लाइस मशरूम्स, एंड 1 पैक ऑफ फ्रोज़न पराठास। उसके अलावा आपको चाहिए 3 टीस्पून ऑफ वाइट विनेगर, 1 टीस्पून ऑफ ऑयस्टर सॉस, 1/2 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट, 4 टीस्पून ऑफ टिक्का मसाला पाउडर एंड 2 स्मॉल ब्रेस्ट पीसेस। इन पीसेस को आपने इस तरह से मीडियम कट्स लगा देने हैं ताकि जब हम इसमें ये मसाला एंड मटेरियल ऐड करें तो अच्छी तरह से अंदर तक मैरिनेट हो जाए। हाँ जी, सबसे पहले हम ये तीनों स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे सो दैट इट विल बी कोटेड ऑन एंटायर चिकन। अब इसमें आप 1 टीस्पून ऑयस्टर सॉस ऐड करेंगे और 3 टीस्पून सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको चिकन में मिक्स कर देंगे। चिकन मैरिनेशन के बाद आपने इसको 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखना है और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अब मैंने फ्राई पैन में 4 टीस्पून ऑयल लिए और उसको गर्म करने के बाद मैं इसमें मैरिनेटेड चिकन पीस ऐड करूँगी और इसको 10 मिनट्स तक आपने कुक करना है बोथ साइड। जी, 10 मिनट के बाद चिकन रेडी है। अब आपने इसको डिश आउट कर लेना है और एक प्लेट में इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। और चिकन को ठंडा करके मैंने इसको इस फॉर्म में श्रेड कर दिया। अब श्रेडेड चिकन में आपने 1 by 1 स्लाइस सॉसेजेस ऐड करने हैं, चॉप किया हुआ प्याज ऐड करना है, चॉप किया हुआ शिमला मिर्च ऐड करनी है, स्लाइस किए हुए मशरूम्स ऐड करेंगे और स्लाइस जलेबीनो ऐड करेंगे और इस मिक्सचर को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाँ जी, अब आपने एक बेकिंग ट्रे लेनी है और उसके अंदर बेकिंग पेपर सेट कर देना। अब आप फ्रोज़न पराठे लेंगे और उसके अंदर चिकन फिलिंग ऐड करेंगे। चिकन फिलिंग ऐड करने के बाद आप इसमें चेडर एंड मोज़ेरेला चीज़ ऐड करेंगे। हाँ जी व्यूअर्स, चिकन और चीज़ का मिक्सचर ऐड करने के बाद आप पिज़्ज़ा पॉकेट्स को बहुत ही केयरफुली सॉफ्ट हैंड्स के साथ कॉर्नर से बंद करेंगे। पहले आप फिंगर से इसको बंद करेंगे, उसके बाद फोक की मदद से बहुत एहतियात से आप इसके सारे कॉर्नर्स बंद कर देंगे। हाँ जी, अब आप एक अंडे में 2 टेबलस्पून मिल्क को डाल के अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। अभी आपने ब्रश की हेल्प से इसको पिज़्ज़ा पॉकेट के ऊपर इवनली अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना। मिक्सचर को ब्रश करने के बाद अब आप इसके ऊपर थोड़ी सी कलवंजी लेंगे और उसको स्प्रिंकल कर देंगे। बाकी पिज़्ज़ा पॉकेट्स को भी आप इसी तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने आपको फर्स्ट पिज़्ज़ा पॉकेट बना के दिखाई। अब आप पिज़्ज़ा पॉकेट्स को प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्रीज पर 30 से 35 मिनट्स तक के लिए बेक करेंगे।
हाँ जी व्यूअर्स, 30 मिनट्स के बाद पिज़्ज़ा पॉकेट बहुत अच्छी लाइट ब्राउन सी रेडी हो गई हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।